सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉमी ने रेडमी नोट 13 5G सीरीज़ में हाइपर ओएस चाइना में ऑलरेडी रोल आउट कर दिए हैं ओएस 1.0.1.0 रेडमी नोट 13 5G, नोट 13 प्रो 5G एंड 1.0.2.0 रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G के लिए। सो ये सारे स्टेबल अपडेट्स नॉर्मल यूज़र्स के लिए ऑलरेडी रोल्ड आउट यहाँ पे कर दिए गए हैं। सो अब यूज़र्स यहाँ पे ग्लोबल रीजन्स के लिए वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे रेडमी नोट 13 5G के लिए ग्लोबल स्टेबल में हाइपर ओएस 1.0.2.0 UNQ MIXM के बिल्ड में एंड्रॉयड 14 पे रोल्ड आउट होना स्टार्ट हो चुका है और ये स्टेबल अपडेट नॉर्मल यूज़र्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है। सो यहाँ पे फर्स्ट मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड और फर्स्ट मेजर अपग्रेड शाओमी की तरफ से हाइपर ओएस में Redmi Note 13 5G को यहाँ पे ऑफिशियल देखने के लिए मिल चुका है और इस अपडेट के मैं डाउनलोड लिंक्स भी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। और इस अपडेट के रिगार्डिंग मैं आर्टिकल भी यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ। सो मैं आपको ये सब यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आप इस अपडेट को कैसे फ्लैश कर सकते हैं अपने Redmi Note 13 5G के अंदर। सो यहाँ पे Redmi Note 13 5G हाइपर ओएस ग्लोबल अपडेट इज नाउ अवेलेबल। सो अपडेट का साइज क्या है, अपडेट में कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, अपडेट का ऑफिशियली चेंज लॉक क्या है और क्या हम इस अपडेट को इंडिया में फ्लैश कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। सो असल में ये एक ऑफिशियल अपडेट है जो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी भी यूज़र को ये अपडेट उनके अपडेटर सेक्शन में यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है। सो आपको इस अपडेट को मैन्युअली ही रिनेम टेक 2.0 की हेल्प से फ्लैश करना होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स और यहाँ पे फ्लैश कर चुके हैं और इसमें आपको फरवरी के मंथ का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको अपडेटेड सिक्योरिटी पैच के साथ कुछ न्यू फीचर्स एंड लेटेस्ट ऑप्टिमाइजेशंस के भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं और इस अपडेट का साइज़ आपको 4.4 GB का देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये एक मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड है और मेजर हाइपर ओएस का भी अपग्रेड है। सो इसमें आपको न्यू फीचर्स जैसे कि न्यू वेदर एप्लीकेशन, न्यू एनिमेशन एंड मैनी मोर फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसा कि Redmi Note 13 5G एक लो एंड स्मार्टफोन है, सो आपको इसमें न्यू एनिमेशंस देखने के लिए मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इन शॉर्ट, अगर आपका वेरिएंट यहाँ पे लो एंड है, सो आपको एनिमेशंस यहाँ पे बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सो अगर आप इस अपडेट को इंडिया से फ्लैश करना चाहते हैं, सो आपको रिनेम ट्रिक 2.0 का यूज़ करना होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल और मैं इसके डाउनलोड लिंक्स भी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, सभी के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के चेकआउट कर लेना। सो कमेंट करके जरूर बताना कि आप Redmi Note 13 5G में हाइपर ओएस को फ्लैश करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे Redmi Note 13 Pro Pro Plus 5G के लिए ग्लोबल हाइपर ओएस इंटरनल बेटा टेस्टिंग में चल रहा है, जब भी ख़त्म होगी अपडेट रेडी होगा, अपडेट रोल आउट होगा। इसके रिगार्डिंग लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा, सिंपली आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन।